सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही इस बेल वाले आइकॉन को दबा लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देख लें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर चेंज कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र अंश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। सेटिंग्स ऐप को ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड फोन्स आइकॉन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स एंड फोन्स लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको न्यू इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोकल डेम भी लगा सकते हैं या फिर आप लोकल वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी वॉलपेपर लगाकर दिखाता हूँ। ये तो दोस्तों आगे से आए हुए मोबाइल के वॉलपेपर है। अभी मैं इनमें से जो भी लगाना चाहता हूँ वह मैं, चलिए दोस्तों मैं अभी ये लगाकर दिखाता हूँ। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे राइट साइड में अप्लाई बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आप लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं या फिर आप डेस्कटॉप लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इसे सेट टू डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। ये दोस्तों मेरा डेस्कटॉप पर लग गया है। और तो फिर पीछे चलना है। अगर दोस्तों आप डेम लगाना चाहते हैं, वॉलपेपर चलता हुआ वॉलपेपर या फिर कुछ अलग लगाना चाहते हैं, तो आप अलग भी लगा सकते हैं। मैं भी इसे नहीं लगाता हूँ। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप अपनी डाउनलोड की हुई इमेज की वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। जो भी आपने डाउनलोड किया है या फिर आप अपने पसंद के अनुसार लगाना चाहते हैं या फिर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इमेज एल्बम पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपकी सभी फोटोएँ होती है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो फ़ोटो आपको पसंद आती है, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो है, उस फोल्डर में आपको चले जाना है। जैसे दोस्तों मैं अभी इस फोल्डर में आपको जाकर दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आपकी मनपसंद के अनुसार आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों आप मेरी मनपसंद के अनुसार लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों नीचे राइट साइड 3 डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा सेट एज वॉलपेपर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपसे ये पूछेगा कि आप इसे डेस्कटॉप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं या फिर लॉक स्क्रीन पर, या फिर इस वॉलपेपर को दोनों पर ही लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इसे डेस्कटॉप वॉलपेपर ही लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट साइड में ऊपर कोने में ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये दोस्तों मेरे डेस्कटॉप पर लग गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।